दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन भू राजनीतिक संघर्षों के जाल में कैसे उलझ गए? इस मुद्दे की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में एक कदम पीछे लेने और इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक बातचीत का पता लगाने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर एन सुरभ से माननीय श्री अन्ना साहेब डांगे कॉलेज हथकंडले और इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक संघर्षों का पता लगाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया इसे सदस्यता लें, टिप्पणियों के साथ अपनी समीक्षा व्यक्त करें, इस वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों और छात्रों के साथ साझा करें। दोस्तों, भारत और चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है और उनके संबंध सहयोग और संघर्ष की अवधि से चिन्हित हैं। प्राचीन काल में सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक व्यापक नेटवर्क भारतीय उपमहाद्वीप को चीन के साथ जोड़ता था। इस मार्ग ने न केवल रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों जैसे सामानों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, बल्कि विचारों, कला और धर्म के जीवंत आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार मिला। हालांकि ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं रहना था। उनके भू राजनीतिक संघर्षों की जड़ें 20वीं शताब्दी के मध्य में पाई जा सकती हैं, उस समय के आसपास जब दोनों राष्ट्र औपनिवेशिक शासन की छाया से उभर रहे थे। इस मुद्दे की जड़ उनकी साझा सीमा में निहित है, ऊबड़ खाबड़ इलाके का 2000 मील का खंड जो दशकों से विवाद का विषय रहा है। विवाद के बीच वर्ष 1962 में बोए गए थे, जब भारत और चीन के बीच एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र सीमा युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध के नतीजों ने सीमा मुद्दे पर उनके संबंधित रुख को सख्त कर दिया, जिससे संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो आज भी जारी है। बाद के वर्षों में सैन्य गतिरोध और राजनयिक झगड़े सहित कई घटनाओं ने उनके संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। ये जारी तनाव केवल उनकी विवादित सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय गठबंधनों सहित उनके संबंधों के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। भारत और चीन जिस भू राजनीतिक शतरंज पर खेलते हैं, वह जटिल और हमेशा बदलने वाला है। दांव ऊंचे हैं, चुनौतियां कई गुना हैं और परिणामों का इन दो देशों और दुनिया के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव है। इस प्रकार अतीत ने भारत और चीन के बीच वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। लेकिन जैसा कि हम इस विषय में गहराई से उतरते हैं, याद रखें कि इतिहास सिर्फ अतीत को समझने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए सबक सीखने के बारे में भी है। सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध, उन्होंने कहा, अब इस मामले की तह में जाएं, चल रहे सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध। भारत और चीन दो पड़ोसी दिग्गज दशकों से सीमा विवादों की एक श्रृंखला में उलझे हुए हैं। ये विवाद मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में संघर्ष विशेष रूप से गर्म हो गया है, दोनों राष्ट्र इस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा करते हैं। सिक्किम भी विवाद का विषय रहा है, जहां पिछले कुछ वर्षों में कई झड़पें हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, एक और विवादित क्षेत्र है जहां तनाव बढ़ गया है। ये सीमा विवाद सिर्फ जमीन को लेकर नहीं है, वे राष्ट्रीय गौरव, रणनीतिक लाभ और भू राजनीतिक प्रभाव के गहरे मुद्दों से बंधे हैं। प्रत्येक पक्ष के अपने ऐतिहासिक और कानूनी तर्क हैं, जो समाधान को एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रयास बनाते हैं। ये विवाद अक्सर सैन्य गतिरोध में बदल जाते हैं, दोनों पक्षों के सैनिक ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक गतिरोध डोकलाम में 2017 में हुआ था। ये 73 दिनों का गतिरोध विवादित डोकलाम पठार में चीन द्वारा एक सड़क के निर्माण से शुरू हुआ था, जिसे भारत ने रणनीतिक खतरे के रूप में देखा था। दोनों राष्ट्रों ने अपनी सेनाओं को जुटाया और जबकि कोई गोली नहीं चलाई गई, तनाव स्पष्ट था। हाल ही में गलवान घाटी में 2020 में आमना सामना हुआ था। चार दशकों में सबसे गंभीर इस घातक संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। इसने भारत चीन सीमा विवाद में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिन्हित किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को जन्म दिया। इन गतिरोधों में नियोजित सैन्य रणनीतियां जटिल हैं। इनमें अक्सर आक्रामक मुद्रा, सामरिक युद्धाभ्यास और राजनयिक वार्ता का मिश्रण शामिल होता है। भू राजनीतिक निहितार्थ विशाल हैं, जो न केवल भारत चीन संबंधों को प्रभावित करते हैं, बल्कि एशियाई महाद्वीप की व्यापक गतिशीलता को भी प्रभावित करते हैं। इन गतिरोधों और सीमा विवादों ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जिसके दूरगामी प्रभाव हैं।
उन्होंने राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण किया है, राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी है और क्षेत्रीय गठबंधनों को नया रूप दिया है। जैसा कि हम भारत चीन संबंधों की जटिलताओं का पता लगाना जारी रखते हैं, ये स्पष्ट है कि ये सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक प्रतिद्वंद्विता और भू राजनीतिक गठबंधन। उन्होंने कहा, प्रतिद्वंद्विता हालांकि सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक क्षेत्रों और भू राजनीतिक गठबंधनों तक फैला हुआ है। आइए भारत और चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग पर एक नजर डालें, इसके बाद उन गठबंधनों पर एक नजर डालें जो उनके भू राजनीतिक रुख को आकार देते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन प्रतिस्पर्धा और सहयोग के जटिल नृत्य में उलझे हुए हैं, जबकि वे वैश्विक बाजारों, संसाधनों और प्रभाव के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे खुद को व्यापार और निवेश के जाल में भी घिरा हुआ पाते हैं। अपने विशाल विनिर्माण आधार के साथ चीन भारत के लिए आयात का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरी ओर भारत अपने विशाल उपभोक्ता बाजार के साथ चीनी कंपनियों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करता है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव के कारण आर्थिक संबंध तनावपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सीमा विवादों के मद्देनजर कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का भारत का निर्णय इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक कलह आर्थिक क्षेत्र में फैल सकती है। भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता की कहानी उनके द्विपक्षीय संबंधों से परे फैली हुई है, जो वैश्विक गठबंधनों के दायरे में फैल रही है। भारत पारंपरिक रूप से एक गुटनिरपेक्ष देश, सक्रिय रूप से अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की मांग कर रहा है। चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता या क्वाड में उसकी भागीदारी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमालय के दूसरी ओर चीन भी गठबंधन करता रहा है। इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के कई देशों को अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुँच का विस्तार करने के लिए जोड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे पाकिस्तान के साथ इसके घनिष्ठ संबंध भू राजनीतिक शतरंज में एक और परत जोड़ते हैं। ये गठबंधन सिर्फ सत्ता प्रक्षेपण के बारे में नहीं है, वे सुरक्षा जाल के रूप में भी काम करते हैं। प्रत्येक देश को बढ़ते तनाव के मामले में राजनयिक इंसुलेशन की एक परत प्रदान करते हैं। हालांकि वे डिवीजनों को भी कम कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकते हैं। आर्थिक और भू राजनीतिक गतिशीलता भारत चीन संबंधों को और जटिल बनाती है। जैसा कि दोनों राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा और सहयोग निस्संदेह न केवल उनके अपने भविष्य को आकार देगा, बल्कि एशिया और वास्तव में दुनिया के भविष्य को भी आकार देगा। तिब्बत मुद्दा, BRI और साइबर सुरक्षा चिंताएं। सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों से परे तिब्बत मुद्दा, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और साइबर सुरक्षा चिंताओं जैसे अन्य मुद्दे आग में घी डालने का काम करते हैं। तिब्बत का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा 1950 के दशक के उत्तरार्ध से भारत में निर्वासन में हैं। ये भारत और चीन के बीच विवाद का एक बिंदु रहा है, क्योंकि चीन दलाई लामा के प्रति भारत के आतिथ्य को तिब्बत पर अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती के रूप में देखता है। इस बीच भारत का कहना है कि वह एक धार्मिक नेता को शरण दे रहा है, न कि किसी राजनीतिक कृत्य में शामिल हो रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI पर आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया भर में अपनी कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। हालांकि भारत ने BRI को लेकर चिंता जताई है। मुख्य चिंता यह है कि इस परियोजना से क्षेत्र में चीनी प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो संभावित रूप से भारत के अपने रणनीतिक हितों और संप्रभुता को कमजोर कर सकती है, खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में परियोजनाओं के साथ। अंत में आइए साइबर सुरक्षा पर ध्यान दें। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा खतरे एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है। हाल के वर्षों में भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। कथित साइबर हमलों की घटनाओं ने तनाव बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने अपने साइबर बचाव में भारी निवेश किया है। ये साइबर खतरे, जो अक्सर रहस्य और विश्वसनीयता में डूबे होते हैं, पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। संक्षेप में, तिब्बत मुद्दा, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर चिंताएं और साइबर सुरक्षा खतरे विवाद के प्रमुख बिंदु हैं, जो पहले से ही जटिल और तनावपूर्ण भारत-चीन संबंधों को बढ़ाते हैं।
इन मुद्दों में से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक बातचीत और समझौते की आवश्यकता है यदि दोनों राष्ट्र अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहते हैं। इन मुद्दों ने भारत और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को तनावपूर्ण बना रखा है। राजनयिक प्रयास और भविष्य के परिदृश्य। उन्होंने कहा, असंख्य मुद्दों के बावजूद संघर्षों को हल करने के प्रयास में राजनयिक प्रयास जारी है। भारत और चीन दोनों अपने मतभेदों को दूर करने और साझा आधार खोजने के लिए कई वार्ताओं, चर्चाओं और वार्ताओं में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका, हालांकि अक्सर कम निभाई जाती है, विवादों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी एजेंसियों ने अक्सर बातचीत को सुविधाजनक बनाने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। आगे देखते हुए इन भू राजनीतिक संघर्षों का प्रक्षेपवक्र कई मोड़ ले सकता है। स्थिति तेज हो सकती है जिससे तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसके विपरीत एक अधिक आशावादी परिदृश्य दोनों देशों को अपने मतभेदों को सुझाने और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के तरीके ढूंढ सकता है। ये भविष्य के परिदृश्य पत्थर में सेट नहीं है और वैश्विक राजनीति, आर्थिक गतिशीलता और घरेलू दबावों में बदलाव सहित कई कारकों से प्रभावित होंगे। चाहे जो भी रास्ता अपनाया जाए, एक बात स्पष्ट है, भारत चीन संबंधों का भविष्य राजनयिक संवाद और सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह, क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रभाव। उन्होंने कहा, भारत चीन संघर्ष कोई अकेला मुद्दा नहीं है, यह क्षेत्र को प्रभावित करता है और सांस्कृतिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है। इस संघर्ष की लहरें इन दोनों देशों की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती है। तनाव अक्सर पड़ोसी देशों को एक नाजुक स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वे भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये सब कलह और असहमति के बारे में नहीं है। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक समृद्ध इतिहास है जो अक्सर भू राजनीतिक संघर्षों से घिरा रहता है। भारत से चीन तक बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर कला, साहित्य और दर्शन के आदान प्रदान तक इन बातचीत ने दोनों देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह के आदान प्रदान लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देते हैं, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। भू राजनीतिक तनाव के बावजूद ये सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी है, जो हमें याद दिलाते हैं कि यह सबके दिल में, हम परस्पर जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए घंटी बटन दबाना न भूलें।